की डाकू सैतन दिन दौले मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हरियाणा सरकार ने कोरोना की चैन को रोकने के लिए हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते निजी बसें यानी कि प्राइवेट बसें नहीं चल रही हैं और सिर्फ रोडवेज बसें चल रही हैं, और रोडवेज बसों का सिर्फ 5% बसें ही चलाई जा रही हैं रोड पर, मतलब कि सिर्फ 5% बसें ही रोड पर हैं, वो भी कुछ रूटों पर। ड्यूटी इंचार्ज की ड्यूटी लगाई गई है ताकि बस स्टैंड पर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना हो, बहुत जरूरत होने पर ही यात्रा करें, अन्यथा ना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, जितना कमाया उसी का खा लिया, मतलब बहुत गरीब लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर फंसे हैं और जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, रोडवेज की कुछ बस सर्विस हैं जो अभी शुरू हैं, जो कि आप जा सकते हो फिलहाल। अगर आप गुड़गांव से हल्द्वानी नैनीताल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, टाइमिंग मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और जो बसें हैं यात्रियों की संख्या के हिसाब से चलाई जा रही हैं, अगर यात्री हैं, यात्रियों की संख्या है तो उस हिसाब से चलाई जा रही है। 20 सवारियों से ज़्यादा सवारी होने पर ही किसी बस को किसी रूट पर चलाया जा रहा है। गुड़गांव से चलकर मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर के रास्ते हल्द्वानी को जाने के लिए हरियाणा रोडवेज गुड़गांव बस स्टैंड से सीधी बस सर्विस उपलब्ध है, जिसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूं। गुड़गांव से इस बस का टाइम है सुबह 8 बजे और वापसी में हल्द्वानी से इस बस का टाइम है शाम के 5 बजे, और गुड़गांव से हल्द्वानी का किराया है 390 रुपये, वापसी में रुद्रपुर से गुड़गांव का किराया है 340 रुपये, और रामपुर से गुड़गांव का किराया है 290 रुपये, और मुरादाबाद बाईपास से गुड़गांव के लिए इस बस का किराया है 250 रुपये। तो अगर आप हरियाणा रोडवेज की इस बस सर्विस का आनंद उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं, आप बिल्कुल सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी सर्विस चालू है और मतलब बहुत ज़रूरी होने पर यात्रा करें। अभी फिलहाल टोटल रोडवेज बसों का सिर्फ 5% बसें ही बस चलाई जा रही हैं। अगर आप हरियाणा रोडवेज की इस बस में सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करते हो तो आपका टाइम बचेगा, आपका किराया बचेगा, और जो भी रुपए बचेंगे आप उसका कुछ खा पी सकते हैं रास्ते में, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, हाँ बिल्कुल, और क्या। तो हाँ, अगर आप हरियाणा रोडवेज की एसी बस में सफर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने हरियाणा रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, www.ors.harcrans.gov.in पर जाकर आप हरियाणा रोडवेज की बस की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि हरियाणा रोडवेज की बसें चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा रोडवेज की लगभग सिर्फ 5% बसें ही चल रही हैं, सिर्फ 5% बसें, टोटल बसों का सिर्फ 5% बसें ही ऑन रोड हैं, मतलब कि चल रही हैं। इसके साथ ही आप सभी से अपील है, बसों के अंदर गंदगी ना फैलाएं, साथ में पॉलीथीन या बैग ले जाएं ताकि छिलके जो भी है आप उसके अंदर डाल सकें, ताकि बस के अंदर कचरा ना फैले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके हरियाणा रोडवेज की सरकारी बस में ही सफ़र करें। अगर आप हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, आपका किराया बचेगा। अदर स्टेट रोडवेज के कंपैरिजन में हरियाणा रोडवेज का किराया सबसे कम है, और हरियाणा रोडवेज की बसें बहुत कंफर्टेबल हैं, आप बैठ के देखना। अगर आपने अब तक हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र किया है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना, और अगर आपने नहीं किया है तो भी आप हरियाणा रोडवेज की बस में ज़रूर सफ़र करें, और जो भी एक्सपीरियंस होगा आप वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करना। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।